हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तन्मय और मैं आपका स्वागत करता हूँ वेजी पाजी पे। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल पे हम लोग वेजिटेरियन खाने की वीडियोस डालते हैं अलग अलग जगहों की। मैं लास्ट ईयर ही बैंगलोर गया था और बैंगलोर की प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप वो तसल्ली से देखना चाहते हैं तो वेजी पाजी बैंगलोर सर्च करेंगे तो पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। बट अगर आप एक समरी चाहते हैं कि बैंगलोर में बेस्ट ऑफ द बेस्ट खाना क्या मिलता है, उसी रीज़न से मैंने ये सीरीज़ बनाई है बेस्ट ऑफ वेजी पाजी। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको अलग अलग जगहों का, जैसे आगरा हो गया, जयपुर हो गया, ग्वालियर हो गया, इन सब जगहों का मैंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट खाना डाल रखा है। और आज बारी है बैंगलोर की। हम लोग बैंगलोर का जितना भी मैंने खाना खाया है उन सब में से बेस्ट ऑफ द बेस्ट खाना एक्सप्लोर करने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं आपको एक समरी के तौर पर समझाने वाला हूँ क्या होने वाला है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब भी बैंगलोर में जाएँ आप ये सारा खाना खाएँ और आप बोलें ओए होए होए मज़ा आ गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, खासकर उन लोगों के साथ जो बैंगलोर में रहते हैं या जिनका बैंगलोर में आना जाना लगा रहता है। चैनल आपको अच्छा लगे, वेजिटेरियन चैनल है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत वैरायटी का खाना चलता है इस चैनल पे। अभी फिलहाल चल रही है भूटान में वेजिटेरियन खाना ढूंढने की सीरीज और मुंबई के खाने की सीरीज जो आती है हर संडे को। बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं इन 3, 2, 1 एंड फ्यू। और हाँ, अगर आपने मेरे दूसरे चैनल ट्रैवलिंग पाजी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई आप बहुत अमेजिंग कंटेंट मिस कर रहे हो। ट्रैवलिंग पाजी को चेकआउट करिए, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगे। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 100,000 सब्सक्राइबर्स होने में सिर्फ अब 4,000 सब्सक्राइबर्स बचे हैं वहाँ पे। सब्सक्राइब करिए, 100,000 होंगे तो कुछ स्पेशल करेंगे। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक सिंगल पीस इडली, एक सिंगल पीस वड़ा, एक केसरी भात और एक मसाला डोसा मंगवाया है। क्योंकि मैंने वड़ा लिया था तो इडली भी ऐसे सांभर में डल के आई है। इट मेक्स देम इन बैचेस ऑफ 20-40 एटलीस्ट। तो हमारा डोसा भी आ गया, कमाल का डोसा है, सुपर क्रिस्पी, चटनी मैजिक। सब आई हैव हर्ड दीज आर द मोस्ट पॉपुलर डोसास आफ्टर लाइक दीज एंड CTR आर द मोस्ट पॉपुलर इन बैंगलोर। CTR मलेश्वरम, यस यस, दीज टू आर द बेस्ट वन। सो ये है बैंगलोर का सबसे पॉपुलर डोसा फ्रॉम विद्यार्थी भवन, अल्ट्रा क्रिस्पी। और ये डोसा जो है ना एकदम मोटा है, घी से भरा हुआ है, इसके अंदर मसाला भरा हुआ है एंड दिस इज द चटनी। सुपर एक्साइटेड टू ट्राई दिस। डोसा खाने का बेस्ट बाइट जो होता है ना वो सेंटर से तोड़ो, यू गेट ऑल द ऑयल, सारा मसाला आता है और डोसा आता है। एंड यहाँ पे जो डोसा होता है वो सांभर के साथ मोस्टली सर्व नहीं होता है और सिर्फ चटनी के साथ होता है, बिकॉज दैट्स द बेस्ट वे टू ईट इट। दैट इज एक्सप्लोजन ऑफ ऑल द फ्लेवर्स। बहुत मोटा है और बहुत क्रिस्पी है, ये सबसे यूनिक चीज़ लगी मेरे को यहाँ के डोसा की। डोसे एकदम मोटे भी होते हैं और एकदम क्रिस्पी भी होते हैं, वेल फर्मेंटेड एंड एकदम क्रिस्पी, सुपर यमी। यहाँ पे क्या है, आलू की फिलिंग जो होती है ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, बहुत माइल्ड स्पाइसी होती है। डोसा घी से भरा होता है एकदम, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे चटनी बहुत स्पाइसी होती है। आराम से बैठ के इसको एंजॉय करता हूँ, मेरी फिल्टर कॉफ़ी भी आ गया, सुपर ब्यूटीफुल। काफ़ी माइल्ड कॉफ़ी है, ज़्यादा चीनी नहीं है पर स्ट्रॉन्ग है। बस लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, बट इंग्लिश विद इंग्लिश बोल बोल के लोग इतने हेल्पफुल है ना। डन एंड डस्टेड, फिल्टर कॉफी डन, कॉफी फिल्टर कॉफी। बात मतलब कि इसमें सूजी होता है ना, हाँ, अपने जैसे उपमा बनाते हैं, हाँ, ये उपमा का और एक रीडिफाइंड वर्जन होता है। अच्छा, और टेस्टी होता है ये। खाओ, व्हाट डू थिंक अबाउट दिस इडली, माइंड बॉगलिंग, मेल्ट हो जाता है। दोनों एकदम पार हो गया। तुम कब से खा रहे हो यहाँ पे? मैं फर्स्ट टाइम आया था बैंगलोर में 2006 में। ओके, और मैं उसमें इस एरिया में रहता था। ओके, 13 इयर्स मेरे को हो गया बैंगलोर में।
13 साल का एक्सपीरियंस तो सिर्फ अनु श्रफ का है, बाकी पता नहीं कितनी पुरानी दुकान है। हमें 2 पीस इडली और एक वड़ा 45 रुपीज़ का मिला, और ये इसका नाम भूल गया मैं, खाराबाद हमें 35 का मिला, रीजनेबल। ओके ऐसे चटनी वेरी स्पाइसी। जो ये इडली है ना, एकदम एक दो इडली होती है दानेदार, और एक होती है जो मुंह में जस्ट जाके मेल्ट हो जाती है, बहुत स्मूथ है, क्योंकि आपको सिर्फ धनिया और मिर्च फील हो रहा है, मतलब जैसे कहते हैं ना बिहाइंड द सीन बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। ओह मैन डैम इट, आई थिंक हम लोगों ने ना चटनी कम डलवाई है, चटनी 10-15 चम्मच और डलवानी चाहिए थी। चटनी इज़ ब्यूटीफुल एंड द वड़ा, आई थॉट ये वड़ा ना आपको शायद देखने में नहीं लग रहा, पर ये सुपर क्रिस्पी है, क्या बताऊँ इस वड़े के बारे में, इट्स सो फ्लेवरफुल, मेरी आँखें खोल दी इसने। आई थिंक वीना स्टोर का बेस्ट पार्ट इज उनकी चटनी, बिकॉज ऐसी चटनी मिलती है हर जगह। दिस इज अब मैं बैंगलोर के ट्रैफिक को माफ़ कर सकता हूँ, ऐसी चटनी अगर मिल रही है ना तो जितना मर्जी ट्रैफिक में गंद मचाना मचाओ, दैट इज ब्यूटीफुल। अभी हम लोग कबन पार्क के पास है, BSNL ऑफिस के पास में है, और हम लोग यहाँ से गुजर ही रहे थे कि मेरे को अनुश्रव ने बताया कि यहाँ पे बन निपट मिलता है, बहुत कमाल का बन निपट नाम, बड़ा ऐसे ना बड़ा चटपटा सा नाम है चीज़ की तरह बन निपट। तो पास में आओ मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। बेसिकली जो आपका स्वीट बन टाइप का, जैसे जो बन होता है ना, मतलब स्वीट बन तो नहीं, आपका रेगुलर बन है, और उसमें चाट वगैरह बना रखा है, और एक तो मैं इसको खोल के दिखाता हूँ, बिल्कुल पूरा मतलब भेलपूरी टाइप का, और ऊपर सेब वगैरह डाले हुए हैं, और चटनी से लोडेड है, और बनाना लीफ के ऊपर दे रखा है। खा के देखते हैं, मुझे इससे बहुत एक्सपेक्टेशन है, और मुझे बता रहा है अनुश्रव कि ये बैंगलोर में बहुत कॉमन है, आपको चप्पे चप्पे पे देखने को मिलेगा, बट हम यहाँ पे इसलिए रुके हैं क्योंकि यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट मिलता है बन निपट। खा के देखते हैं कैसा है। नो मैन बहुत कमाल का, इसमें खीरा प्याज टमाटर सेब तो डाला हुआ है, और जो बन का मज़ा है ना, आप इमेजिन करो बन और भेलपूरी का एक साथ खाओ, और उसमें ऐसी चटनियाँ वगैरह डाल दो कि वो तालमेल जो है सोचने में जितना अजीब लग रहा है खाने में उतना ही स्वाद लगे। ये जगह वेजी बाजी अप्रूव्ड है। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं CTR में, और ये जो है बैंगलोर का सबसे ज़्यादा माना जाता है कि बढ़िया डोसा मिलते हैं यहाँ पे, दिस इज़ लाइक जो लोग लोकल्स की रिकमेंडेशन है। तो CTR में बहुत सिंपल सा डोसा है, एकदम नीचा वो मैं आपको दिखाता हूँ, दो चटनी हमारे पास, जस्ट एक पुदीने वाली चटनी एक रेगुलर चटनी, और डोसे पे आप जस्ट ये अगर आपको टेक्सचर दिख रहा है डोसे का जो ऐसे मतलब कैसे बताऊँ, ऐसे लग रहा है इस पर कितना ज़्यादा घी भर भर के डाला हुआ है, और ये डोसे का कलर देखो शेड्स ऑफ डोसा, लाइट डार्क 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 एकदम डार्क। और यहाँ पे ना वैसे तो मैं वो बंदा हूँ जो बोल रहा है डोसा एक मसाला डोसा मसाला सेपरेट, बट मेरे को लग रहा है अगर मैं बैंगलोर में आके ये बोलूँ तो मतलब मेरे को जूते मार के बाहर फेंक देंगे कि निकल तेरे को खाना नहीं आता। तो मैंने यहाँ पे सुना है कि लोग डोसा मसाला डोसा है ये, और इसके अंदर लोग कॉन्ट्रेरी टू व्हाट आई ईट लोग यहाँ पे सेंटर में पोल मारते हैं और उससे मसाला और डोसा निकाल के खाते हैं, और उसको गोल्डन बाइट कहते हैं, मतलब कि वो बेस्ट बाइट है। तो ये बात जो है ना, दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर ओनली बैंगलोर, फॉर एवरी वेयर एल्स सर। कॉफ़ी
स्ट्रॉन्ग वाली फिल्टर कॉफी। तो ये बात जो है ना, ये डोसे वाली बात, ये सिर्फ बैंगलोर में एप्लीकेबल है, साउथ बेसिकली साउथ में एप्लीकेबल है। नॉर्थ में कभी ऐसे गलती मत करना, वहाँ पे घेपा मिलेगा डोसा। ठीक है, लेट्स डू दिस। मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, मुझे बहुत वियर्ड लग रहा है। ओहो, इज वेरी क्रिस्प, इतना मोटा डोसा है और घी से भरा हुआ, इट्स लाइक लोडेड विद। फर्स्ट बाइट, बेस्ट डोसा इन बैंगलोर, गोइंग इन। मंड बॉबिंग, क्या आंखों के साथ धोखा होता है। मतलब मैं इस पास से देख रहा हूँ ना, इतना मोटा डोसा है, फील्स था कितना सॉगी होगा, कितना बेकार होगा, बट द फर्स्ट बाइट दैट यू हैव, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, कैमरा कैन नॉट डू जस्टिस टू दिस डोसा। दिस डोसा इज लाइक मैजिक, दिस इज प्योर, मतलब जादू है ये डोसा में, जादू है, ब्यूटिफुल। यहाँ पे आप घी देख सकते हैं, आई मीन तो जस्ट सो मच ऑफ घी, प्योर घी है, प्योर घी। विद्यार्थी भवन से 1 किलोमीटर दूर ही बसवनगुड़ी 1 किलोमीटर दूर ही ब्राह्मण कॉफ़ी हाउस है। तो यहाँ पे नाम में ही कॉफ़ी है, तो यहाँ के फिल्टर कॉफ़ी तो पीनी पड़ेगी मेरे। बहुत गर्म कॉफी है, ऊपर फोम है पूरा मिल्क का। ओ मैन, 40 डिग्री के टेम्परेचर में 2 घंटे के अंदर अगर 2 कॉफी पी रहे हो तो जिंदा हो तुम। बहुत स्ट्रांग कॉफी है। बैंगलोर की कॉफी के बारे में तो क्या बोला जाए, बैंगलोर की कॉफी पी के ना आप चाय का स्वाद भूल जाओगे शायद ना। ये मैंने बहुत गलत बात बोल दी। कंडीशन सप्लाई, हर जगह कंडीशन सप्लाई लगा दो, सब सही हो जाता है। ब्यूटीफुल कॉफी। मॉन्स्टरस। तो अभी हम लोग जयनगर में कूल जॉइंट में हैं। यहाँ पे आइसक्रीम्स हैं, मिल्कशेक्स हैं, जूसेस हैं और सैंडविचेस, आइसक्रीम, मिल्कशेक, जूसेस और सैंडविचेस, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बट जो चीज़ अभी हम लोगों ने ली हैं वो बैंगलोर की सबसे ज़्यादा पॉपुलर आइसक्रीम है। बैंगलोर में आपको मोस्टली रेस्टोरेंट्स में आपको ये चीज़ मिलेगी जिसका नाम है गड़बड़ आइसक्रीम। क्या क्या है, व्हाट इज दिस बैंगलोर, व्हाट इज दिस गड़बड़, सीरियस, दिस इज द नेम दैट यू चूज गड़बड़। ऑफ ऑल द ब्यूटिफुल नेम्स, सोनू, मोनू, रामू, काका, ये सब नाम रखो, अच्छा लगेगा। देखो कोई बोले रामू काका शेक, रामू काका आइसक्रीम, गड़बड़, इसमें क्या गड़बड़ है। 1, 2, 3, 4 आइसक्रीम मिक्स, ड्राई फ्रूट की लेयर है, टूटी फ्रूटी की लेयर है, सम सिरप की लेयर है और उसके ऊपर चेरी डाला हुआ है, चेरी ऑन द केक और सम वेफर। कैसे खाया जाए इसको, क्या लगता है नीचे तक जाएगा पूरा, गड़बड़ी होगी यार ये तो। जोक। अब जो मैं बोलना चाह रहा हूँ आप वो सुन के बोलोगे वाह क्या बात बताई, और ये आइसक्रीम ठंडी है, आई मीन बहुत सारी टेस्ट है, बहुत सारी आइसक्रीम का ब्लेंड है, ड्राई फ्रूट डले हुए, टूटी फ्रूटी डली हुए और एकदम रिफ्रेशिंग है। मतलब इट्स लाइक प्लस पता क्या, इतनी लेयरिंग करी हुई ना आइसक्रीम में, तो सबसे नीचे वाली जो आइसक्रीम के दो तीन आइसक्रीम्स है ना वो पिघल चुके हैं, तो दिस इज़ लाइक अ शेक बन चुका है एक तरीके से। 3 फ्लेवर नीचे वाले तो शेक बन के पिघल के, क्योंकि एकदम आइसक्रीम क्या होती है, बेसिकली क्रीम होती है जो जमाई जाती है, और शेक क्या होता है वो भी एक तरीके का क्रीम ही होता है, दूध के अंदर आइसक्रीम डाल के थोड़ी पतली आइसक्रीम होती है शेक। तो ये नीचे से तो शेक बन चुका है, ऊपर आइसक्रीम है, तो ये एक तरीके से आइसक्रीम शेक है गड़बड़। बट जो कॉम्बिनेशन है ना ड्राई फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी के साथ, देखो एग्जैक्टली लाइक एन आइसक्रीम शेक, मेरे मुंह में टूटी फ्रूटी और ड्राई फ्रूट्स का ऐसा मिश्रण है ना, बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त ट्राई। कहीं पे भी जाओ गड़बड़ भी हो, अब मेरे को बाकी जगहों का टेस्ट नहीं पता कैसा होता है बाकी जगहों का टेस्ट, पर यहाँ का एक नंबर है, ये फेमस आइसक्रीम जो है यहाँ का, दिस इज़ अ किलर थिंग, आग लगा दी इसमें, आग नहीं, सॉरी ठंडक दिला दी इसमें, आग ही लगा दी, आग बोलने में मज़ा आ रहा है, राम गोपाल वर्मा की आग।
बैंगलोर में आके पहले डोसा खाओ, फिर कबन पार्क का निपट खाओ, और फिर कहीं से भी गोभी मंचूरियन खाओ। गोभी मंचूरियन नहीं खाया से भी नहीं, लेकिन कुछ कुछ जगह गोभी मंचूरियन नहीं खाया तो शेम ऑन यू, शेम ऑन यू गाइस। 100% तो हर नुक्कड़ पे मिलता है, जैसे अपने तरफ हर नुक्कड़ पे मोमो और बर्गर चॉप मिलता है ना इनकी स्टॉल, 10 रुपए वाले गुप्ता जी वाले, गुप्ता जी बर्गर। गोभी राइस, गोभी राइस क्या है, फ्राइड राइस में गोभी मंचूरियन डाल के फ्यूजन, फ्यूजन हो गया। मैं कुछ नहीं बोल रहा, ओए होए। तो अभी हम लोग गोभी मंचूरियन खा रहे हैं, 2 साल बाद गोभी मंचूरियन खा रहा हूँ, बिकॉज मैं 2 साल पहले बैंगलोर में आया था, 3 दिन रुका था, मस्त गोभी मंचूरियन खाया था, और उसके बाद मैं बैंगलोर 1 दिन के लिए आया था, उसके बाद अभी इस साल आया था, 1 दिन में तो क्या ही कुछ हो नहीं पाता, ठीक है। तो फिर बहुत सारा घूमा, बहुत देखा सब कुछ, पर गोभी मंचूरियन कहीं नहीं मिला, बिकॉज ऐसी चीज़ें कोई खाना ही नहीं चाहता। मैं कुछ नहीं बोल रहा, अच्छा होता है, बहुत टेस्टी होता है, हाँ गुड, बट आई मीन वो था ना, मतलब क्या होता है, आपके साथ एक बार जब टॉर्चर हुआ होता ना, मतलब मेरे साथ सही में टॉर्चर हुआ था, क्योंकि मेरे को कुछ और मिला ही नहीं था, तो मतलब दिस इज समथिंग जो मुझे बेस्ट गोभी मंचूरियन में खिला दो, आई विल बी लाइक, समझ रहे हो ना, पर अच्छा है, दिस इज गुड, कड़ी पत्ता वगैरह डाला हुआ है इसमें, ये अच्छा है, मेरे को याद है क्योंकि मैंने जो खाए ना सारे के सारे एकदम मंचूरियन जैसे टाइप के हैं, जो डिफरेंट, जो गुड। ऑफन आज गोभी मंचूरियन कन्फेशन हो रही है, इसका एवरी अदर डे, तेरा कितना, एवरी ऑल्टरनेट में, हफ्ते में एक वीक। तुम बड़े खिलाड़ी हो और यहाँ पे बिगेस्ट खिलाड़ी, सालों में एक बार। देखिए वीवीपुरम में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें खाने को है, बट कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये जो अभी बन रहा है, ये है होलीगे, होलीगे बेसिकली क्या होता है, अगर आपको पूरन पोली पता है तो उसी के जैसा ही होता है, ये जो उसका वर्जन है ये कोकोनट और गुड़ वाला वर्जन है, बड़ी कमाल कमाल की चीज़ें आपको वीवीपुरम में मिल जाती है, एक तरीके की फूड मार्केट है, स्टार्टिंग से एंड के बीच में आपको इतना खाना मिल जाएगा कि आपको मतलब एक तरीके से बैंगलोर की समरी की भी समरी है वीवीपुरम, अक्की रोटी, राइस डोसा, गोभी मंचूरियन, भज्जी, गोली भज्जी, ये सारी चीज़ें तो आपको वीवीपुरम में मिल जाएगी। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप खाने के शौकीन हैं और अगर आप बैंगलोर जा रहे हैं तो कृपया करके वीवीपुरम जाइए, वरना आपकी बैंगलोर की खाने की ट्रिप सफल नहीं मानी जाएगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, आपके एक सब्सक्राइब से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है नए नए और रोमांचक कंटेंट बनाने में, सारा का सारा वेजिटेरियन। दूसरा चैनल मेरा ट्रैवलिंग बाजी को चेकआउट ज़रूर करिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, 100,000 सब्सक्राइबर्स होने ही वाले हैं बस। आपसे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप एंजॉइंग एंड ऑलवेज स्टे वेजिटेरियन, घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपने आसपास वाले लोगों का भी ध्यान रखिए। ओ भाई साहब, दिस इज लाइक द बेस्ट एवर, बहुत अच्छा ना, बहुत अच्छा।